Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मलहारा होलकर को मिली एक और बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, वो कौन सी कामयाबी की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, इस समय पे हम बात कर रहे हैं अहिल्या की शिक्षा को लेकर। तो पहले भी बहुत सारी कामयाबियां अहिल्या के थ्रू मिली मल्हारराव होलकर को, क्योंकि वो भी दिल से चाहते थे कि मैं अहिल्या अगर शिक्षा लेना चाहती है तो उसको शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। तो अहिल्या सभी जो परीक्षाएं हल कर लेती है, परीक्षाओं में जीत जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मल्हारराव होलकर की सफलता थी। लेकिन अभी उसके बाद कितना समाज में जो विरोध होता है, गुरुजी भी हाथ पीछे कर लेते हैं कि मैं भी नहीं पढ़ा सकता हूं। उसके बाद कितनी सभी के साथ बहस होती है, कैसे मल्हारराव होलकर एक एक को बाकायदा तौर पर जवाब देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि अहिल्या और इसको खंडेराव को गुरु बनके मैं पढ़ाऊंगा और गुरु बनके वो पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। और इतने में अचानक से हम देखते हैं कि गुरुजी अंदर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि मल्हारराव होलकर ने गुरुजी के दिल पे की चोट, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी आप तो शिक्षक हैं, आप ये जरूर सोचिएगा कि क्या अहिल्या को आप शिक्षा से दूर करके ये सही कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि क्या गुरुजी का होगा ह्यूमन रेवोल्यूशन, गुरुजी की अंतरात्मा जागेगी। और गुरुजी की अंतरात्मा जागती है और गुरुजी जो है पाठशाला में प्रवेश करते हैं, ज्ञान कक्ष में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि महाराज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, सरकार मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैंने सोचा कि अहिल्या को शिक्षा से मना करके तो मैं सरस्वती आई को क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं अब अगला जो पाठ है अहिल्या बेटी को वो मैं दूंगा। तो ये कहते हैं तो क्षमा याचना पे मल्हारराव होलकर कहते हैं कि अपनी गलती मानना भी बहुत बड़ी बात होती है गुरुजी, कोई बात नहीं है। तो गुरुजी फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पे है कि जब आपकी डिटर्मिनेशन इतनी मजबूत होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो डिटर्मिनेशन है अहिल्या की और साथ में मल्हारराव होलकर की, क्योंकि इतने विरोध के बावजूद भी, हालांकि गंगुवा तो पीछे पड़े हुए हैं, बार बार कहते हैं कि महाराज क्या ये सही होगा इस समय पे ऐसा करना, तो लेकिन मल्हारराव होलकर कहते हैं कि मैं किसी भी विरोध को देख के कदम सच से पीछे नहीं हट सकता, जो समाज की भलाई से पीछे नहीं हट सकता, इनको आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि मैं इनकी ही भलाई के लिए काम कर रहा हूं। और तो गुरुजी को तो समझ में आ गया है, तो धीरे धीरे बाकियों को भी क्या बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।